वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एच एस मोड व्लॉग। तो आज मैं पहली बार अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए कि क्या करूँ। तो मैंने एक एक्चुअली ये जो गिम्बल की अनबॉक्सिंग की, मैं उसके बारे में अभी इस व्लॉग के अंदर ही उसका मैं रिव्यू दे दूँगा कि अभी मैं ये वही यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये कैसा है, बाय करने लायक है या नहीं है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग भी करते हैं और आगे देखते भी हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग कैसी हुई है और क्या क्या हमें मिलता है इसके साथ। ये जो है ये एक हिसाब का, अगर जो भी का नहीं लेना चाहते तो ये मेरे हिसाब से तो रेकमेंडेड है कि ये लेना चाहिए। तो बाकी अब देखते हैं आगे कि इसके बारे में अब हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मुझे ये काफ़ी ही कम्फर्टेबल लग रहा, कोई इतना कोई ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं आ रहा कि हाँ भी इसको यूज़ करें तो कैसे करें क्या नहीं करें। बस इसको अपना एक एल की तरह से यूज़ कर रहा हूँ मैं, एल की तरह इसके कोने से यहाँ पर पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो कुछ ऐसे करते करते हम पहुँच गए अपने ऑफिस में। अब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब देखते हैं आगे और क्या बातचीत कर सकते हैं व्लॉग के अंदर, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है और कोई कुछ ज़्यादा मैंने लिखा नहीं। कंटेंट है कि आप बोल सकते हो कि मैंने इसके अनबॉक्सिंग की से अपना ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो एक्चुअली ये भी अच्छी चीज़ है कि मैंने, मेरे पास कोई छोटा सा एटलीस्ट छोटा सा कंटेंट तो था कि मैं कुछ तो कैसे स्टार्ट करूँ। वरना मैं कब का ये सोच रहा था यार मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, पर मुझे कोई रीज़न, स्पेसिफिक रीज़न नहीं मिल रहा था कि किस तरह से और किस चीज़ के ऊपर कैसे स्टार्ट करूँ। पर अब देखते हैं, ये मेरा पहला व्लॉग है और ये देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। पहला व्लॉग तो वैसे मेरी पहली वीडियो ही बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, बिल्कुल फ्लॉप गई थी। एंड ये देखते हैं ये कैसे जाती है, ये भी मेरे हिसाब से फ्लॉप ही जाएगी। एक्चुअली क्या हो रहा था, मैं बार बार वीडियो बनाता था वो टाइम लैप्स द्वारा स्टार्ट हो जाते थे। मैंने इतना बोला, मैंने देखा कि 7 सेकंड का बना वो, चलो अच्छा। ये मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छा टाइम लैप्स आया इससे, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या करता था पहले, जो अभी एक दो मैंने टाइम लैप्स लिए भी हैं, तो वो मैं क्या करता था आधे आधे घंटे 20-20 मिनट की वीडियो बना लेता था लगा के, ट्राई को लगा के या फ़ोन को। गाइस ये अगले दिन की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट का एक्सेसरी आती है साथ में और प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं प्रोडक्ट कैसा बॉक्स के अंदर से निकलता है। तो गाइस मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ और ये पैकेजेस से मैंने बाहर निकाल लिया है। उसके अंदर एक और पैकेज था जो कि ये आप देख सकते हो पॉलीथिन में था, अब एक और पॉलीथिन के अंदर है, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो इसको मैंने निकाल दिया, इसके साथ मुझे कुछ एक्सेसरीज मिली है। तो अब बात करते हैं इस गिम्बल की, और गिम्बल के साथ एक ये पारा मिलता है जो कि ये बताता है कि वीडियो का सरफेस बताता है, ये वीडियो सरफेस वीडियो सीधी है, सीधी बन रही है या नहीं बन रही, तो इसलिए बताता है। पर ये एक्चुअली मुझे टूटा हुआ मिला, तो अब देखते हैं इसके बारे में ये कहाँ कैसे लगता है। तो ये मुझे अब यहाँ से मैंने देख लिया था कि इसको कहाँ पर लगना है कैसे लगना है, तो पर अब कुछ कर तो सकता नहीं था। मैंने कहा टूटा हुआ मिला, इसको बाद में जोड़ लूँगा, रिप्लेस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको मैंने ऐसे ही जोड़ लिया। ये जो आप देख सकते हो सरफेस बताने वाला, ये यहाँ पर लगेगा, मैंने इसको देख लिया है और मैंने इसको जोड़ भी चुका हूँ। तो अब मैं ये वीडियो दोबारा अपने ये जो वॉइस ओवर दे रहा हूँ पीछे से वीडियो के, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और इसकी जो साउंड की थी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अब मैं उसको अब ओवर पीछे से दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसके स्टैंड भी ऐसे हम खड़ा कर सकते हैं, और इसके साथ मुझे कुछ एक्सेसरीज मिली थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा
पहले ये आप देख लीजिए, ये पूरा स्ट्रेचेबल हो जाता है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और कहीं भी ये ऐसे आप कहीं भी एडजस्ट करके इसको वीडियो अगर बनानी हो तो कहीं भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको आपको जैसे बताया था कि आप इससे कहीं भी एडजस्ट करके वीडियो बना सकते हो, तो एक्चुअली मैंने ये अपने हाथ पे भी ऐसे माउंट करके बनाया था, तो काफ़ी टाइट था, तो ये नहीं कि ढीला कि गिर जाएगा कोई चांस था, पर ये काफ़ी मुझे भी ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिक लगी। ये मेरा पहला व्लॉग था जिससे मुझे काफ़ी सीख मिली मेरी क्या क्या गलती थी क्या क्या नहीं थी। सबसे बड़ी गलती ये निकली जो मुझे महसूस हुई कि मैंने जो वीडियो बनाई थी तो वीडियो में जो वॉइस होनी चाहिए थी वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, जिसके कारण मुझे वीडियो के पीछे से मुझे अपनी वॉइस ओवर देनी पड़ी। वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता देखने में बाद में, तो मुझे वो काफ़ी बड़ी गलती लगी। तो अब देखते हैं आगे से, ऐसे कोशिश करूँगा ना ही वो ब्रदर मेरा बोल रहा था कर ले अनबॉक्सिंग कर ले अनबॉक्सिंग कर ले, बस बैठे बैठे मूड बना गया था चल अनबॉक्सिंग कर ले। वो मुझे बॉक्स मैंने अनबॉक्सिंग कर दी बस ऐसे ही, तो मैंने इतना कोई प्रिपेयर नहीं था अनबॉक्सिंग के लिए कि मैं पहले कुछ सोचा हो कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। चलो अगली वीडियो में देखेंगे, अपना पैसे देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। गई नहीं।